किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई चढ़ने के बाद आज हम इन पत्थरों के शहर में पहुंचे हुए हैं। शहर क्या करें, जंगल कह सकते हैं हम इन्हें, शहर कहने की आदत हो गई है, लेकिन कायदे से इन्हें हम पत्थरों का जंगल बुला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे ये ऊपर तक जहाँ तक जा रहा है ऐसे ही पत्थर, ये एक पत्थर है जहाँ पर मैं बैठी हूँ, लेकिन इस तरफ भी देखेंगे तो वही पत्थर है, आगे भी देखेंगे तो इसी तरह के पत्थर है, इसके अलावा इसके पीछे भी इसी तरह के बड़े बड़े खो वाले पत्थर हैं। इन पत्थरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन पत्थरों में जो चमक है, इनके जो बनावट है, ये बिल्कुल अलग प्रकार की है। और तीन पहाड़ी चढ़ने के बाद फिर हम नीलम सरे की यात्रा हम लोगों ने किया और सारा हमारा जो दर्द था वो पूरी तरह से हमारा ख़त्म हो गया। और अब हम दोबेल तक आने की कोशिश किए हैं, मतलब चल के आए हैं इतनी दूर, और 10 किलोमीटर लगभग हम लोग चले हैं। एक चीज और, इन पत्थरों में मुझे ये इसकी जो बनावट है वो देखने के लिए ऐसा लग रहा है कि पुराने जमाने में शिकार के लिए यदि लोग राजा महाराजा आया करते थे, या वो उन पत्थरों को देखकर मुझे लगता है, उधर दिखाना, उन पत्थरों को देखकर मुझे लगता है कि ये पुराने जमाने में कोई बहुत बड़ा महल या इस तरह का कोई बस्ती रहा होगा, क्योंकि जितने पत्थरों के अवशेष हमें देखने को मिल रहे हैं उन सारे पत्थरों में ऐसी बनावट है कि कहीं ना कहीं वो साबुत खड़े रहे होंगे और वो एक घर की तरह रहे होंगे। लेकिन आज एक ये पत्थर जिस तरह से अपने बनावट को हमारे सामने लेकर आ रहे हैं, उससे यही साबित होता है कि जरूर कुछ ना कुछ इन पत्थरों में छुपा हुआ है, ऐसा कोई राज। और इन पत्थरों की आप खो देख सकते हैं कि पुराने समय में जब हम शिकार करने के लिए आते थे तो इन पत्थरों की खो में, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, मैं ज्यादा नहीं चढ़ पाऊंगी इसलिए मैं यहीं से बता रही हूँ आप लोगों को कि इन पत्थरों की खो पे रात गुजारा जा सकता था, मुझे ऐसा लगता है। और हम जब आगे से जब आ रहे थे, ये पूरे घने जंगल जब हम पार करके आ रहे थे, तो बीच बीच में हमें इतने सारे चमकीले पत्थर मिले, और उन चमकीले पत्थर उस तरह के पत्थर हैं बिल्कुल जिस तरह से हमारे बीजापुर में पट्टनम ब्लॉक में जो पत्थर मिलता है जिसे हम कोरंडम कह सकते हैं, और बिल्कुल उसी बनावट के जो पत्थर है वो यहाँ पे भी हमें मिले हैं। ज्यादा तो नहीं, लेकिन इन पत्थरों को देखकर ऐसा लगता है कि हम यहीं रह जाएं। खैर, ये तो एक तरह से सपना है जो पूरा होना मुश्किल है, लेकिन पुरातत्व विभाग के लिए ये जरूर निवेदन करना चाहेंगे हम पुरातत्व विभाग से, जिला प्रशासन से, कि इस तरह के पत्थरों की, ये जो रास्ते भर के जितने पत्थर थे उन सारे पत्थरों में कुछ ना कुछ तो खास है, क्योंकि एक कॉमन जब हम पत्थर देखते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल पत्थर होता है, उनमें जो खनक होती है वो इन पत्थरों में, इसकी जो खनक है वो बिल्कुल अलग तरह की खनक है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई धुन निकल रही हो इनमें से, कोई मधुर धुन निकल रही हो, ऐसा लगता है इन पत्थरों की खनक में। तो पुरातत्व विभाग से भी निवेदन करना चाहेंगे हम लोग कि इन पत्थरों की एक बार जांच की जाए, एक बार इनका सैंपल लिया जाए और ये पता लगाने की कोशिश करें कि इन पत्थरों में ऐसा क्या खास अलग है बाकी पत्थरों से। और पर्यटन के हिसाब से ये जगह सुपर से ऊपर है, आप सब आ सकते हैं, देख सकते हैं और घूम सकते हैं, किसी तरह का कोई यहाँ पर खतरा नहीं है। बस यही है कि आप थोड़ा सा यहाँ आने से पहले ये कोशिश करें कि बहुत लंबा पैदल हमको चलना है तो पैदल चलने के लिए हम थोड़ा सा अभ्यास कर लें, और इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आप इतने खूबसूरत जगह को देखने से वंचित रह जाए। आइए दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि बीजापुर जिले के इस खूबसूरत पर्यटन स्थल को विश्व के पटल पर ले जाएं। थैंक यू।